एक कॉम्बिनेशन जिताता है 11 का, 11 खिलाड़ी देखो आपकी सिर्फ बोलिंग ही बोलिंग है, ये रियलिटी है, फैक्ट है कि बोलर्स टूर्नामेंट जिताएंगे, पर जब इन्होंने 266 बोल रहे थे ना तो बड़ी एक बात लगी थी, 34 पे 4 से तो आप इंडिया से जीत नहीं पाए थे, 266 से जीत जाते, 228 रन तो आज का मार्जिन है ना, 228 रन का मार्जिन है, बंदे नहीं है किसी टीम से, एक चीज बताइए ना, जो कहता है पाकिस्तान है अब हम नहीं हमारे बॉलर जिताएंगे, बॉलर भी वो बॉलर जो आपको नई बॉल से जिताएंगे यार, वो बेचारे बहुत मेहनत करते, बॉलर भी वो बॉलर जो आपको नई बॉल से जिताएंगे, शाहीन शाफी भी आपका हीरो है, एक दिन उसका ऑफ आएगा और जिस दिन उसका ऑफ आएगा बल्लेबाजी को सर उठाना चाहिए, आपके बल्लेबाजी ने हारिस यार बैटिंग वाइज अगर आप अच्छा करोगे तभी वो टीम की मजबूती तभी कुछ दिखेगा, अदरवाइज फिर आप ऐसे ही रिजल्ट जो है वो चीज देखोगे, 66/4 इंडिया भी हुई थी बाय द वे, भले ही बैटिंग पहले कर रहे थे, एक सम्मानजनक कुछ जगह पर लेके ना आपको ईशान किशन मिले, आपको हार्दिक पांड्या पर भरोसा हुआ, आपकी टीम फिर वही ना कि आप अगेंस्ट नेपाल जब इफ्तिकार ने रन बनाए तो बात हुई उनकी, भले वो नेपाल के अगेंस्ट करे थे, आज कोई कैरेक्टर तो शो करता कुछ तो कैरेक्टर है नहीं, और मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही ना, बैटिंग बैटिंग चलो यार पाकिस्तान ने आज बॉलिंग में क्या किया, आपके पास यार बॉलर सिर्फ मैं ये समझ नहीं पा रहा, बॉलर आपको नई बॉल से विकेट निकालने वाले थोड़ी बॉलर चाहिए, आप अगर पूरे दिन में आ जाकर विकेट नहीं ले पाओगे, बैटिंग आप 128 पे आउट हो जाओगे, आप कहां पे नंबर टू टीम अपने आप को बता रहे हो, कि बॉलिंग चलो ठीक है यार कभी कभी नहीं होगा कुछ, हां बिल्कुल, बट यहां तो कुछ देख रहा था इधर, बैटिंग 128 मतलब यहाँ पे ये सिचुएशन में आप बात करो यार, 256 बनाते 280 बनाते कुछ क्लोज जाते, एक इनिंग आती है वहां पर तो समझ में आता, चले विक्रांत सर भी जुड़े हैं उन्हें सुनते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, बताइए सर आप भी कुछ, जो कुलदीप यादव ने आके पास आउट किए हैं वो बॉक्सेस आज कंप्लीट हो गए सर, सही बात ये है, देखिए वही जो कुलदीप यादव का हम भी जिक्र कर रहे हैं, कुलदीप यादव यार 5 विकेटें, क्या स्पेल डाल रहा है, इंडिया पाकिस्तान मैचेस में जो हम 5 विकेटों का स्पेल कहते हैं कि जिस तरीके से निकालते हैं, तो कुलदीप ने 5 और ये कितना कॉन्फिडेंस है, कुलदीप यादव जिस कॉन्फिडेंस में अभी खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप है इंडिया में, इंडिया की कंडीशन में, और आप आज पाकिस्तान के किसी 5 विकेट जिस तरीके से निकाले उन्होंने, तो कुलदीप यादव हम पहले से लगातार कहते हैं पूरे एशिया कप साइकोलॉजिकली उनके दिमाग पे रहेगा, क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप भी हमने देखा है कुलदीप यादव ने क्या किया था, और अभी भी ओडीआई क्योंकि उसके बाद ये वो मैच है, हाँ बोले सर, अच्छा बिल्कुल, ऐसे पाकिस्तान ने देखिए ये मैच भी आ रहा है, हारिस राउत और नसीम शाह दोनों बैटिंग नहीं करने आए, विच मीन्स कि दोनों इंजर्ड है, विच मीन्स उनके लिए आने वाले टाइम में दिक्कत आएगी, खैर जो विराट और राहुल की पार्टनरशिप थी आई थिंक वो भी बहुत बड़ी बैटिंग दोनों ने की है, आइए उस पर नजर डाल, ठीक है सर हम आप नजर डालिए सर, दिखाइए स्टैट्स, दिखाइए आप जो कह रहे हैं, जो केएल राहुल और विराट की पारी भी दिखा दी है, मैं इसमें उन्होंने ये कह रहा था कि आज ये मैच भाई पूरी दुनिया देख रही होगी, विराट उनकी तरफ से कुछ भी इस तरीके की चीज नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा पहलू उसमें है कि उस तरीके से नजर नहीं आता आपको, और अभी भी आप देखो क्या है, अगला मैच जब खेलोगे और सवालों के साथ ही आओगे, और पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं बेहतर ये लग रहा है इंडिया के खिलाफ, ये चीज ये मत भूलिए, पाकिस्तान को जो अपना अगला मैच खेलना है श्रीलंका से खेलना है, बॉलिंग का काम है आपको वर्ल्ड कप जिताना, और आज आप हारिस राउत गलत बात है, जो ये कहते हैं ना कि वर्ल्ड कप आपको बॉलिंग जिताती है, मैं बोलता हूँ वर्ल्ड कप आपको एक कॉम्बिनेशन जिताता है 11 का, 11 खिलाड़ी आपकी सिर्फ बॉलिंग ही बॉलिंग है, ये रियलिटी है, फैक्ट है कि बॉलर्स टूर्नामेंट जिताएंगे पर रन तो बनाओगे तो करोगे कभी तो बॉलिंग तो जो ऑफ डे होगा ना, ऑफ डे रहा जो भी रहा और बैटिंग पहले करते हुए भी ये 128 बॉलर्स को भी तो रन दोगे ना, आप जाकर फकर जमान 27 सबसे हाईएस्ट, आगा सलमान और इफ्तिकार के 23 रन है, उसके अलावा क्या है डबल डिजिट में, आपने देख लिया 356